लायन बिकम वेरी प्राउड. और आपको पता है प्राउड नहीं होना चाहिए इंसान को, कभी भी प्राउड नहीं होना चाहिए. आई लाइक इट हियर. जब लायन ऐसे प्राउड हो गया और माउस का मजाक उड़ाने लगा कि तुम मेरी हेल्प करोगे, तुम तो इतने छोटे से हो, तुम में तो ज़रा भी पावर नहीं है. आपको पता है किसी को प्राउड नहीं होना चाहिए. क्या बन गया था लायन? प्राउड हो गया था. और जब वो प्राउड हो गया तो हंसने लगा. और मम्मा और... भी तो प्राउड है, बर्तन जल्दी जल्दी धोती है. जल्दी जल्दी धोती है इसलिए प्राउड हूँ. नहीं, लेकिन ऐसे कहना नहीं चाहिए ना कि तुम तो गंदे हो, तुम तो ऐसे हो. ऐसे कहना चाहिए, किसी को नहीं कहना चाहिए. तो फिर क्या हुआ, नेक्स्ट डे एक दिन ना एक हंटर आ गया उसमें जंगल में. उस हंटर ने एक बड़ा सा नेट बिछा दिया उसने, और छुप के बैठ गया और देखने लगा कि अब कौन इस नेट में आके फंसेगा. एकदम उस नेट में कौन स्टक हो गया? लायन स्टक हो गया. तो लायन अब फंस गया उसमें, बुरी तरह स्टक हो गया. माउस ने फिर उसकी हेल्प की. माउस ने देखा, ओ लायन व्हाट हैपेंस टू यू. लायन ने बोला, आई एम स्टक इनसाइड, आई कैन नॉट कम आउट. आपको पता है लायन के तो बिग हैंड्स होते हैं, लेकिन उससे वो खोला नहीं जा रहा था. लेकिन माउस के शार्प टीथ होते हैं करके, कैसे करके वो सारी नेट को काट लिया उसने. नेट को कट करता गया, कट करके इतना बड़ा होल बन गया और लायन उसमें से बाहर आ गया. तो फिर लायन ने उसको सॉरी बोला और लायन ने बोला, मुझे प्राउड नहीं होना चाहिए था, और कोई भी चीज़ छोटी नहीं होती, और किसी का मजाक नहीं उड़ाते, और किसी को ये नहीं कहते कि तुम तो गंदे हो, या तुम तो छोटे हो, या तुम तो ऐसे हो, तुम अच्छे नहीं हो. ऐसे किसी को नहीं कहते. अल्लाह ताला ने सबको अच्छा बनाया होता है और हर इंसान दूसरे इंसान की हेल्प कर सकता है. और हमें भी दूसरों की हेल्प करनी चाहिए. और क्या नहीं होना चाहिए? प्राउड नहीं होना चाहिए लायन की तरह. और मम्मा को प्यार करना चाहिए.